फर्स्ट देर इज अ न्यू एज मैनेजमेंट लिटरेचर के जिसकी थीम जो है सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर है और रिबेलियन है, वो इस इमेंसिपेशन के हवाले से कुछ लिटरेचर आपको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर क्रिटिकल मैनेजमेंट स्टडीज हैं जो कि विच आर फ्रीक्वेंटली कंसर्न विद फ्रीइंग एम्प्लॉय फ्रॉम अननेसेसरली एलिनेटिंग फ्रॉम द वर्क ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंसानों को इस तरह की प्रैक्टिस ना की जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो एलिनेट फील करें, अलहदा फील करें, तन्हाई फील करें। और फिर मुख्तलिफ किस्म के सोशल मूवमेंट्स भी हैं एमांसिपेशन के हवाले से। फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि ऑटोनॉमी चाहते हैं अपने लिए और वो नहीं चाहते कि हम जो है किसी किस्म की कॉरपोरेट जो है उसके अंदर रूल्स रेगुलेशन के अंदर आए। दोबारा अगर आप एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं जैकोब श्रेंक्री और दे ही हैव डिफाइंड एमांसिपेशन, emancipation should be understood as an attempt to actualize equality through creating a consensus which interrupts the order of the sensible. acha emancipation ko unhone is tarah define kiya, emancipation ka bunyadi maqsad ye hai ki tamam organizational members ke andar equality create ho jaye, aur equality tab create hoti hai jab unko is baat ka right diya jaye ki jo bhi ऑर्डर है, जो भी है डोमिनेंट ओपिनियन है उससे वो डिसेंट कर सके। डिसेंट से मुराद है कि उस ओपिनियन से अख्तलाफ कर सके। तो जो कि नेसेसरी कंडीशन है एमांसिपेशन के लिए वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनइक्विटी हो, अगर इनइक्विटी है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वॉइस एंड रेजोल्यूशन है, तो इन दिस सेंस जो लोग रिजिस्ट करेंगे दैट मीन्स दे आर असर्टिंग द पावर ऑफ इक्वेलिटी इन एवरी प्लेस वेयर इट इज इन फैक्ट कन्फ्रंटेड विद इनइक्वेलिटी। तो रेजिस्टेंस का मतलब इमेंसिपेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर रेजिस्टेंस का मतलब ये होगा कि जब पावर ऑफ रेजिस्टेंस मीन असर्टिंग द पावर ऑफ इक्वेलिटी की, यानी कि आप सब लोगों के लिए बराबरी चाहते हैं, आप सब लोगों के लिए चाहते हैं कि उनकी बराबरी के जरिए से उनकी वॉइस को भी सुना जाए और उनकी बात को भी सुना जाए उन ऑर्गेनाइजेशन में, तो इमेंसिपेशन इज बेसिकली इनकाउंटरिंग द इन इक्वेलिटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो बाहर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इख्तलाफ राय होता है वो तब होता है जब पॉलीफोनी, जब पॉलीफोनी से क्या मुराद है कि देयर आर डिसएग्रीमेंट एंड आर्टिकुलेटेड क्लैशेस ऑफ इंटरप्रिटेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एक्टर दैट फंडामेंटली थ्रो इनटू क्वेश्चन एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेट्स। किसी बारे में अगर जो ऑर्गेनाइजेशन के डोमिनेंट एक्टर्स हैं, डोमिनेंट एक्टर्स के मुराद है जिनके पास ज्यादा पावर है, और उनके दरमियान क्लैश हो जाता है इंटरप्रिटेशन के हवाले से। मसलन एक ऑर्गेनाइजेशन है वो पे फॉर परफॉर्मेंस को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो पे फॉर परफॉर्मेंस के हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ मैनेजर्स हैं उनके दरमियान ये क्लैश ऑफ इंटरप्रिटेशन हो जाता है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर है, क्या ये इंडिविजुअल के लिए बेहतर है या फिर टीम के लिए बेहतर है। अच्छा जी, तो ये इस तरह का डिसेंस जो है आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नजर आता है इसका मतलब है पॉलीफोनी है, यानी मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियन जो है वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह आप सोसाइटी के अंदर भी देखते हैं, सोसाइटी के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियन एग्जिस्ट करते हैं, हुकूमत के हवाले से भी करते हैं, हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से भी करते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियन का होना, मुख्तलिफ किस्म के पर्सपेक्टिव का होना, मुख्तलिफ तरीके से सेंस मेकिंग करना, तो ये एक अनदर इंग्रेडिएंट ऑफ इमेंसिपेशन इज बीइंग एबल टू थिंक डिफरेंटली, टू यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेंस मेकिंग, यानी कि जो सेंस मेकिंग का प्रोसेस है उनके फर्क होने की वजह से भी डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। अब जिस तरह आप जेंडर के हवाले से देख सकते हैं, जो फेमिनिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक डिफरेंट वे ऑफ सेंस मेकिंग है, थ्रू विच दे बेसिकली see these kind of different kind of the issues. तो ये पॉलीफोनी से मुराद है, और emancipation से मुराद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्वेलिटी लेकर आई जाए, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इनइक्वेलिटी है इन टर्म्स ऑफ वॉइस, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, उसको एड्रेस किया जाए। तो ये एक emancipation का है तरीकाकार जिसके जरिए से भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉइज को जो है वो उनकी वॉइस को रिकग्नाइज कर। ओके जी, उसके बाद हेजेमनी, और हेजेमनी से मुराद ये है कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ रूल है जो अगर एक सेट ऑफ वैल्यू जो है वो डोमिनेट हो जाती है और देयर आर स्ट्रेटजी दैट मेंटेन देम, तो ऐसी सिचुएशन को हम हेजेमनी कहते हैं। हेजेमनी से मुराद ये है, आप ये समझें कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रूल्स हैं और जो उसको डोमिनेट करते हैं, तो वो हेजेमनी उस सिचुएशन में क्रिएट हो जाती है, जो उनकी सबॉर्डिनेशन में होते हैं वो उन रूल्स को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं बाय चॉइस, और जो डोमिनेट वैल्यूज होती हैं उनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो हेजेमनी कंडीशन होगी, पीपल जो उस हेजेमनी कंडीशन के अंदर रह रहे होंगे,
they are unable to specify their interest except in terms of the concept that subordinate them. Thus, they cannot achieve autonomy. यानी कि hegemony के अंदर रहते हुए जो लोग सोच भी रहे होते हैं वो उन्हीं opinions के हवाले से सोच रहे होते हैं जो उस organization के अंदर dominant होते हैं. इसलिए सही मानों में उनको आजादी नहीं होती उन organization में, ज़हनी आजादी भी नहीं होती. आप समझ लें कि hegemony जो के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी एक किस्म की उस organization की वैल्यू के साथ एक ज़हनी गुलामी हो जाती है. वो ज़हनी तौर के ऊपर जो है वो अपने बारे में उस तरीके से बेस्ट नहीं सोच सकते क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के ओपिनियंस के साथ जो होते हैं वो फुली अलाइंड हो जाते हैं. ओके जी, तो बहरहाल ये कंडीशन जिसके अंदर हेजेमनी थ्योरीज जो है वो बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड. इट इज अज्यूम दैट फॉर वर्कर्स और वुमेन देर आर सम रियल इंटरेस्ट दैट इफ मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप कुड जस्ट सी थिंग्स क्लियरली दे वुड आर्टिकुलेट. यानी अगर आपको अपने इंटरेस्ट में अपनी सिचुएशन के बारे में क्लैरिटी के साथ नजर ही नहीं आ रहा तो आप कैसे आर्टिकुलेट करेंगे. लेकिन अगर आप अपने इंटरेस्ट को उस सिचुएशन में देखें कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं अगर वो हेजेमनी है वहाँ मौजूद तो उस हेजेमनी के अंदर आप रहते हुए कैसे अपने इंटरेस्ट को ला सकते हैं तो उसके लिए सोचना अगर इंसान सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है तो फिर ही वो बेहतर तौर से उन चीज़ों को लेकर आ सकता है. और जो क्रूशल पॉइंट है हेजेमनी के अंदर वो ये है कि एक एग्रीमेंट होता है वैल्यूज के हवाले से और एटलीस्ट एक वाइड स्प्रेड एग्रीमेंट है जिसके हवाले से आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्योंकि उन वैल्यूज के साथ सब लोग अलाइंड होते हैं तो उनको अवर्ट पावर यानी पावर को एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती. अच्छा, इसमें जो इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स आर दोज पीपल हु आर ब्रिंगिंग अ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, हु आर चेंजिंग द बिजनेस मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हु आर ब्रिंगिंग न्यू चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन the way they are doing the business. So, jo institutional entrepreneurs hote hain, they construct a network of power relation that articulate and shape basic values. Kyunki agar wo un basic values ke against jayenge jinke upar institution stand karte hain to fir wo out ho jayenge, unko wo kyunki resistance bahut zyada milegi aur basic value to change nahi hongi. To wo kya karte hain, they ek power relationship create karte hain उन लोगों के साथ जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो पावरफुल है. तो ये किस्म का डाइवर्स स्टेक होल्डर के दरमियान एक ब्रिजिंग का काम करते हैं. और तो और ये इनकी सिचुएशन ज़्यादा वहाँ कामयाब हो जाती है क्राइसिस की सिचुएशन. अगर क्राइसिस होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वहाँ इंस्टीट्यूशन और एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं क्योंकि जब क्राइसिस आता है ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन रीथिंक करती है कि जो हम काम कर रहे हैं इसको से हम जरा मुख्तलिफ तरीके से कैसे काम कर सकते हैं. जैसे आप COVID-19 पैंडमिक की सिचुएशन में देख लें, जब क्राइसिस आया है तो लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में जरा डिफरेंट तरीके से सोचा है कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आगे की तरफ ही चले. यूनिवर्सिटीज के मॉडल आप देख लें, कॉलेजेस के यूनिवर्सिटी का देख लेंगे, द वे ऑफ डूइंग द थिंग्स हैव बीन चेंज और किस तरीके के साथ वो काम कर रहे हैं. तो बहरहाल ये इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर के हवाले से बात थी कि दे हैव द कैपेसिटी टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रैक्टिसेस एंड पर्सुएड स्टेक होल्डर ऑफ द गुड फिट ऑफ दीज प्रैक्टिसेस विद द रूटीन्स एंड वैल्यूज दैट दे एम्ब्रेस. अच्छा, वो क्योंकि उन्होंने एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर के साथ ही काम करना होता है, उनको पर्सुएड करना होता है. इसकी इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योरशिप की एक एंटरप्रेन्योर की एक एग्जाम्पल मेरे ध्यान में आ रही है, सितार ईदी की. और ईदी फाउंडेशन का जिस तरह क्याम में आना, ईदी फाउंडेशन का काम करना, ईदी फाउंडेशन का मुख्तलिफ स्टेक होल्डर के साथ इंटरेस्ट को स्टैब्लिश करना, ये एक इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योरशिप की एग्जांपल है किस तरह ओवरऑल मॉडल जो है वो चेंज हो गया सर्विस डिलीवरी का. तो ये वाला मॉडल चेंज होना जो है ये आहिस्ता आहिस्ता उन वैल्यूज जो पहले थी उनके साथ काम किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा मॉडल को चेंज कर दिया. तो ये एक तरीकाकार होता है जिससे इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो तब्दीली ले आते हैं. फिर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ फील्ड ऑफ नॉलेज के अंदर हेजेमनी क्रिएट की जाती है. अब जिस तरह जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है जिसमें वेस्टर्न कंट्री जो है उनका डोमिनेंस है और कुछ एशियन केसेस आप देख लें, साइनो जैपनीज अगर आपको कुछ मिल जाते हैं, लेकिन जो एक लार्ज एब्सेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज है वो इस्लामिक वर्ल्ड. और इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं और लेकिन जो मॉडर्न नॉलेज है उसके अंदर आपको इस्लामिक मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम नज़र आती है या मिस रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है. जिस तरह इस्लामिक जो जिस तरह की वो चीज़ें बातें करते हैं, इस्लामोफोबिया और ये सब बातें,
तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इस्लामिक लिटरेचर है। अब इस्लाम की क्या एपिस्टेमोलॉजी है, ऑन्टोलॉजी है, किस तरीके से इस्लामिक नॉलेज जो है डेवलप हुआ है, इस्लामी अलूम की कितनी शाखें हैं, ब्रांचें हैं, ये सब मालूम जो हैं उस तरीके से उसकी रिप्रेजेंटेशन आपको नजर नहीं आती। तो हेजेमनी की बात आप करेंगे तो हेजेमनी जो है वो एकेडमिक नॉलेज के अंदर भी है कि एकेडमिक नॉलेज जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर क्रिएट हो रहा है और जिसकी वजह से एक हेजेमनी क्रिएट हो गई कि नॉलेज की डेफिनेशन वो करते हैं कि नॉलेज क्या चीज़ है और जो उनके साथ जो उस डोमिनेंट नैरेटिव के साथ अलाइन करता है तो वो उसके साथ उसको नॉलेज कंसिडर करते हैं। बारह इसके हवाले से आपकी बुक में उन्होंने एक आर्टिकल दिया हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज एपिस्टेमोलॉजिकल ऑक्लूजन एंड इस्लामिक मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज। वहाँ आप इसकी ज़्यादा भी डिटेल देख सकते हैं किस तरह एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है उसकी भी डोमिनेंस क्रिएट की जाती है। अच्छा, फिर टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट है और टोटल इंस्टीट्यूशन द एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कंटेन द टोटेलिटी ऑफ द लाइफ ऑफ दोज हु आर देयर मेंबर। ओके जी, अच्छा ये टोटल इंस्टीट्यूशंस की एग्जांपल जो है, एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि टोटल इंस्टीट्यूशन से मुराद एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ मैनेजमेंट जो है वो जो लोग जिनको मैनेज करते हैं उनकी रजामंदी हासिल कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन मिशन और विजन के हवाले से, और जिसे द काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज ऑफ हेजेमनी। और तो हेजेमनी वहाँ एक्सरसाइज करना ज़्यादा आसान होता है जहाँ लोगों की रजामंदी भी हो इस बात के ऊपर कि आप उनको कंट्रोल कर लें और जो कंसेंट है वो एक नॉर्मेटिव मुराद के सब लोग इसी तरह करते हैं तो आप भी इसी तरह कर लें और कंट्रोल जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल हो, तमाम लोगों के ऊपर मौजूद हो। बहरहाल जिन लोगों ने अथॉरिटी के हवाले से रिसर्च की है उन्होंने ये टर्म सोशल टोटल इंस्टीट्यूशन की आइडेंटिफाई की, और टोटल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड ऑन मेम्बरशिप्स कॉन्ट्रैक्टेड ऑन वॉलेंट्री इंक्लूजन। जिस तरह से एग्जाम्पल के आप वॉलेंट्री इंक्लूजन का बना तो लोग अपनी मर्जी से ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और रूल्स को ओबे करते हैं, ऑर्डर को ओबे करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको टोटल कंट्रोल नजर आता है। जिस तरह आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी है, बोर्डिंग स्कूल है, रेजिडेंशियल कॉलेज हैं, रिलीजियस की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिस तरह मदरसाज हैं या कॉन्वेंट्स हैं, मॉन्सेंट्रीज हैं, और जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को उनका मेंबर बना देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो टोटल इंस्टीट्यूशन के अंदर प्रिजन भी हैं, डिटेंशन सेंटर भी हैं, वो डू नॉट ऑपरेट ऑन द कंसेंट बट ऑन द डिसिप्लिन ऑफ रेजिस्टेंस। कुछ ऐसे भी हैं जहां डिसिप्लिन किया जाता है रेजिस्टेंस को, लोग अपने कंसेंट से तो नहीं जाते जेल के अंदर लेकिन उनको वहां डिसिप्लिन किया जाता है ताकि वो एक रूल को फॉलो करें। तो बहरहाल जो कि बहुत सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टोटल इंस्टीट्यूशन की एग्जाम्पल दी हुई हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके टेबल 9.3 के अंदर एग्जाम्पल दी हुई है। जैसे मैं एक कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें से पढ़ लेता हूँ कि प्लेसेस टू पुट पीपल दैट द स्टेट इनकेपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर देमसेल्फ दी पीपल हु वेरी हिस्टोरिकली एंड कंपैरेटिवली हैव इंक्लूडेड द फीबल ल्यूनेटिक एंड वी डिसेबल्ड। ऐसी जगह जहाँ पे लोग अपनी केयर खुद नहीं कर सकते, जैसे लॉन्ग स्टे हॉस्पिटल फॉर पीपल जिनकी क्रॉनिक डिसेबिलिटीज हैं और जिनको असाइलम भी कहा जाता है, असाइलम के अंदर रखा जाता है उनको, जो कि मेंटल असाइलम भी हैं, हेल्थ असाइलम्स भी हैं और वहाँ उनको रखा जाता है। और मेंबर बड़े विजिबल हो जाते हैं, उनकी कुछ एक यूनिफॉर्म भी रखी जाती है जिससे उनको पता चल जाता है कि वो जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। प्लस ये भी है कि दूसरे लोगों की भी नज़र उनके ऊपर होती है, वो मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ बहुत सारे लोगों के साथ रह रहे होते हैं, एक सर्वेलेंस भी हो रही होती है दूसरे लोगों के हवाले से। तो लाइफ जो होती है टोटल इंस्टीट्यूशन में इज गवर्न्ड बाय स्ट्रिक्ट फॉर्मल रैशनल प्लानिंग ऑफ अ टाइम। टाइमिंग होती है, जिस तरह अगर आपको याद होगा स्कूलों के अंदर भी बेल्स बजा करती हैं कि टाइम हो गया, पीरियड एंड हो गया, शुरू हो गया, इस तरह फैक्ट्री वर्कर के लिए फैक्ट्री विसल्स होती हैं, शेड्यूल्स होते हैं, इसी तरह टोटल इंस्टीट्यूशन के अंदर ये चीज़ें इस्टेब्लिश की जाती हैं ताकि टाइम उनका मैनेज किया जा सके। तो बहरहाल ये टोटल इंस्टीट्यूशन के हवाले से है कि और मिलिट्री का इसलिए आप देखते हैं they have an explicit interest in the power because they have command lines of authority and obedience which is central to the organization of the military kyunki ye unke liye zaruri hai aur iske ye uski bina ke upar ye organization jo hai wo survive kar rahi hoti hai। to bharat bahut sare symbol hai total institution ke hawale se, uniform ek symbol hai aur to bharat ye mukhtalif identity ko create karte hain।
अब बात यह है कि जब ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं और अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाती है जो कि अनएथिकल है और आप नॉर्म्स को चैलेंज नहीं करते हैं या ओबीडियंट रहते हैं इस हवाले से, तो उस केस के अंदर पूरे लोग भी जो हैं वो अनएथिकल एक्ट के अंदर जो है पार्ट बन जाते हैं। तो जब लोग पूछते हैं कि क्यों लोग जो है ऑर्डनरी लोग जो हैं दे डू द मॉरली बैड थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें कुछ फैक्टर जो है ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट भी हैं। 20th सेंचुरी में आप देख सकते हैं कितनी वर्ल्ड वॉर हुई हैं, कितने मामलात हुए हैं जिसके अंदर आपको बड़े ऐसे चीज़ें मिलती हैं जो कि बड़ी यू डोंट एक्सपेक्ट सच अ बैड थिंग फ्रॉम द पीपल बट द पीपल डिड इट एंड समटाइम्स ड्यू टू बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ अ टोटल इंस्टीट्यूशन एंड द होल इंस्टीट्यूशन हैज दैट काइंड ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज वेयर दे आर ऑपरेटिंग एंड डूइंग दिस काइंड ऑफ हिडेनियस एक्ट्स, सो दैट्स व्हाई दे हैव इन्वॉल्वड इन दोस काइंड ऑफ थिंग्स। Excuse me, sir. Yes, yes. Sir, can you please give an example of total institution? ये जो अभी आपने ईदी साहब की बात की, ईदी ऑर्गेनाइजेशन, वो इसी में आती है टोटल इंस्टीट्यूशन में? जी मैं बिल्कुल देता हूँ, बहुत अच्छा कि आपने सवाल रेज किया। एक तो याद है ईदी साहब की जो मैंने एग्जांपल दी वो मैंने इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से दी है। अच्छा इंस्टीट्यूशन एंटरप्रेन्योर्स को आप ये समझें कि पहली बात इंस्टीट्यूशन क्या है। अच्छा इंस्टीट्यूशन एक ऐसा इदारा है जिसके अंदर जो है उसके अपने एक उसका अपना वैल्यू सिस्टम एग्जिस्ट करता है, उसका एक अपना मॉडल ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट करता है, उसके अपने नॉर्म्स जो है एग्जिस्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशन एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करते हैं। आप ये नया इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करना, जो पुराना तरीकाकार था इसका रफाई काम का, उस मॉडल को तब्दील किया सतारीदी साहब ने, तो इसको आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक नया मॉडल लेकर आए। अब लेकिन इंस्टीट्यूशन अगर आप देखें तो आपको कई इंस्टीट्यूशन आपस में जो है इदारे जो है उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटी नजर आती है। वो सिमिलैरिटी की अगर हम पावर के परस्पेक्टिव से देखें तो उसकी एक वजह ये भी है कि जो उनके पावर एलीट्स हैं उनका जो वैल्यू सिस्टम है वो आपस में ओवरलैप करता है, जिसकी वजह से वो इंस्टीट्यूशन आपको सेम नजर आते हैं। अब उस इंस्टीट्यूशन को टोटल चेंज करना, उस रफाई काम के मॉडल को चेंज करना, ये इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर्स दे करते हैं। लेकिन वो ये अगर बेसिक वैल्यूज को चैलेंज कर देंगे तो जो पावरफुल एलीट्स हैं वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, नॉर्मेटिव सी रेजिस्टेंस क्रिएट होगी जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं होते। तो इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर्स इस मामले में ये करते हैं कि वो अलायंसेस क्रिएट करते हैं जो पावरफुल एलीट्स होते हैं मुख्तलिफ इदारों के अंदर, और फिर जब कोई क्राइसिस आता है उस क्राइसिस के अंदर फिर वो भी पावरफुल एलीट्स हैं वो भी चाहते हैं क्राइसिस से हम कैसे इसको फेस करेंगे। उस केस में इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर एक नया मॉडल लेकर आते हैं जिसको वो प्रोपोगेट करते हैं और फिर पूरी द वे ऑफ डूइंग द थिंग जो है तब्दील हो जाता है। इस तरह आप ये देखें, मुझे एक अर्शी की भी एग्जाम्पल याद आ रही है, जिस तरह तिब के मामले को कैसे उन्होंने मॉडल को चेंज किया। तो करशी आपको पहले आपको एक हमदर्द आपको नजर आती थी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन करशी ने बिल्कुल ही रेवोल्यूशनाइज किया मॉडल को और यूनानी तिब के हवाले से अद्वियात को कैसे रेडिली अवेलेबल किया, मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई, जो वे ऑफ इंटरप्रिटेशन था रिगार्डिंग द तिब उसको चेंज किया। इस केस में वो भी इंस्टीट्यूशन एंटरप्रेन्योर आप कह सकते हैं उनको, तो इससे मुराद ऐसे। लेकिन जो आपने टोटल इंस्टीट्यूशन की एग्जाम्पल कहा है, टोटल इंस्टीट्यूशन की एक बड़ी एग्जाम्पल तो आ रही है आपके सामने। टोटल इंस्टीट्यूशन एक ऐसे इदारे हैं जहां मेंबर जो हैं उन तमाम रूल्स को, उनके मिशन को, अपने विजन को वॉलेंट्री यानी अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करते हैं और उसके अंदर उन इदारे की करते हैं। अब इस केस के अंदर जो कि इदारे की हेजेमनी है वहां उसको एस्टेब्लिश करना इसलिए आसान हो जाता है क्या, जहां लोग वॉलेंट्री जो है अपना कंसेंट दे रहे हो, अपनी रजामंदी दे रहे हो कंट्रोल के लिए कि आप हमें कंट्रोल कर लें, बिल्कुल करें कंट्रोल, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है इसलिए हमें ये काम तो करना है क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। इस केस में ऐसे इदारों को टोटल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। इनकी जो कि मसाल हो सकती है वो ये है कि एक तो पहली बात ये इदारे के अंदर जो कि इंसान की प्रेजेंस है वो और बहुत सारे इंसानों की मौजूदगी में होती है, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिसकी एक दूसरे पर नजरें होती हैं या फिर एक दूसरे को देख सकते हैं कि किस तरह काम कर रहे हैं, तो मेंबर्स आर वेरी विजिबल। और दूसरा मेंबर्स टेंड टू बी स्ट्रिक्टली रेजिमेंटेड, रेजिमेंटेड का मुराद है कि उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं,
पुलिस के लोगों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आर्मी के लोगों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टीचर को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि टीचर को नहीं पता, टीचर की तो कोई यूनिफॉर्म नहीं है ना यहाँ। चौकीदारों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये मुख्तलिफ तरीकों, हालांकि चौकीदार तो एक पार्ट है अगर सिक्योरिटी एजेंसी, हाँ सिक्योरिटी एजेंसी को कह सकते हैं। फिर इसी तरह अगर बोर्डिंग स्कूल्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर हॉस्पिटल की कोई असाइलम्स हैं जहाँ लोगों को खास वो गाउन बनाया जाता है तो वहाँ से आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। तो ये इदारे जो हैं टोटल इंस्टीट्यूशन की एग्जाम्पल हैं। अब ये टोटल इंस्टीट्यूशन टोटली तौर पर वो बन जाते हैं या कुछ पार्शली बन जाते हैं, ये डिपेंड करता है।